हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रहलाद शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से माफी चाहता हूं कि जैसे मैंने कल आपको कहा था इवनिंग में, जब आपकी काउंसलिंग की डेट आई थी कि कल मॉर्निंग मेरा 7 बजे वीडियो आ जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ कारणों की वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पाया, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो दोस्तों इसके एक दो रीज़न थे। दोस्तों सबसे पहला रीज़न क्या था कि मेरी याद बताऊँ कि दिन में 2-3 क्लास थी ऑनलाइन, दूसरे के जो यूट्यूब चैनल उस पर थी दोस्तों, वो MSc PhD वालों के लिए थी, क्योंकि दोस्तों अभी उनकी भी जो ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही, तो उनके संबंध में उनकी भी जो है मैंने एक दो क्लास ली थी ऑनलाइन पर, वो दूसरे चैनल पे थी, वो पेड जो है उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो मनी पेड करते हो उसके बाद आप उसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। यानी वो आपके काम का नहीं, इसलिए मुझे टाइम लग गया दोस्तों। उसके अलावा जो दोस्तों हमारा ऑफिस था, जो हमारी जो यूट्यूब टीम थी, आज क्या कि हमारे जैसे आज से आपके जो काउंसलिंग फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, तो मेरे पास मैं बताऊँ कल से मेरे पास फोन आना स्टार्ट हो गया कि सर आप मुझे हमें कल कहाँ मिलोगे, कल आप ऑफिस आओगे क्या, हमें फॉर्म भरना है, हम फॉर्म कैसे भरना। तो दोस्तों उन सभी के चक्कर में दोस्तों हम सब पूरे दिन से बिजी था। अभी दोस्तों मैंने मानो कि आज मैं खुद अपने गांव जाने वाला, लेकिन दोस्तों आपके लिए मैं अपने आप ही रुका हूँ, जयपुर में रुका हुआ हूँ कि मैं आज मैं वीडियो डालना है, जिससे मैं आज प्रॉमिस के लिए दोस्तों सबसे माफी चाहूंगा मैं कि मेरा वीडियो सुबह नहीं आ पाया। ठीक दोस्तों, अभी आज जिसने फॉर्म भर दिया दोस्तों उसके लिए ठीक है, अच्छी बात है आपने फॉर्म भर दिया है, लेकिन दोस्तों जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ काउंसलिंग को लेकर, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड आप वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड पास में बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे आपके पास में जेड काउंसलिंग 2020 को लेके हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। अब बात करते हैं अपन काउंसलिंग को लेके। ये दोस्तों कल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा नोटिस रिलीज किया गया था कि जेड 2020 की काउंसलिंग 12 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आज से स्टार्ट हो गई है, मॉर्निंग से आप काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, यानी आप इसकी AU कोटा की ऑफिशियल साइट है उस पर जाके आप जो अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड करके उसको लॉगिन कर सकते हो, वहां से अपना जो रजिस्ट्रेशन करके आप काउंसलिंग जो भी है कर सकते हो, आप कॉलेज चूज कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अपन इनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि आपको जो है कॉलेज चूज कैसे करनी है, काउंसलिंग कैसे करवानी है, आप पहले कौन सी कॉलेज बननी है, पहले कौन सी यूनिवर्सिटीज बननी है, प्राइवेट कॉलेज बननी नहीं बननी, कितनी फीस जमा होगी काउंसलिंग की, वापस रिफंड होगी नहीं होगी, किस कंडीशन में रिफंड होगी, एंड तो सब कुछ में आपका इस जो है डाउट है, जो माइंड जो भी डाउट है, जो कमेंट है, आप मेरे पास मैसेज है, व्हाट्सअप है, जो भी कंडक्ट करते हो, उन सबको लेकर मैं आज वीडियो पूरा आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। मैं इतना इसको क्लियर कर दूंगा, पूरा जीरो से बताऊंगा कि आपको मेरे पास में कॉल या व्हाट्सअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप समझ में नहीं आता है, फिर आप डाउट रह जाता, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपन लोगों की काउंसलिंग कैसे करवानी है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आप ऑफिशियल साइट पर जाना, और जाने के बाद एप्लीकेशन आप जो आईडी पासवर्ड लगा के उसको लॉगिन करना, लॉगिन बाद आपके पास पूरा परफॉर्म ओपन हो जाएगा, परफॉर्म ओपन होने के बाद वहाँ पे जो है पूरी कॉलेज आपके पास शो हो जाएगी कि देखो राजस्थान के अंदर सबको पता है 5 यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। पहला है उदयपुर में है, फिर जोमनेर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में, कोटा में, 5 यूनिवर्सिटीज है। अब इनके अंडर में सब जो कैंपस हैं, ये तो मेन कैंपस है 5, इनके अंडर में सब कैंपस हैं, वो भी जो इनके अंडर सरकारी कॉलेज है, एंड इनके अंडर में कुछ प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, इनके अंडर में कुछ प्राइवेट कॉलेज है। इसके अलावा जेएड के थ्रू कुछ मल्टी कैंपस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या दोस्तों कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी जेएड के द्वारा एडमिशन होता है। जैसे मैं बात करूँ MGRP अपने जयपुर में, भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर में है, बैट सी अरविंद है, इसी तरह उनमें क्या 60-60 सीट उन्हें रिजर्व कर रखी है, जेएड के थ्रू आप उनमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि कॉलेज आपको चूज कैसे करनी है। देखो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है कि कॉलेज कैसे फिलिंग करनी है, किस क्रम में आपको कॉलेज लगाना है। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जिनकी रैंक अच्छी है, जिन्होंने जेट में मार्क्स अच्छे प्राप्त किए हैं, जिनकी रैंक है अच्छी है, उनको कॉलेज चूज कैसे करनी है। देखो अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि नहीं मुझे तो RCA MPUT लेना है, क्या लेना है दोस्तों, मुझे तो RCA MPUT उदयपुर ही जाना है, तो सबसे पहले वो बंदा क्या करेगा जिसके अच्छे मार्क्स हैं, क्या दोस्तों जिसके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे रैंक हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस बंदे सबसे पहले RCA MPUT फिल करना है, क्या दोस्तों RCA MPUT फिल करना है। सबसे मैं बता चाहूंगा कि राजस्थान की जो फर्स्ट नंबर की जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जो फर्स्ट रैंक पाती है दोस्तों, वो कौन सी है, RCA MPUT उदयपुर है। तो जिसके अच्छे नंबर हैं उसको RCA MPUT फिल करना है, देन उसके बाद में उसको जोमनेर SKNU जोमनेर फिल करना है, देन उसके बाद में उसको बीकानेर फिल करना है, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद कोटा, ये उसको सीक्वेंस देखना है। तो यानी कि उनको उसको ओनली 5 यूनिवर्सिटीज़ फिल करनी है, क्योंकि उसकी अच्छी रहेगा तो 5 में से कौन कोई मेन कैंपस में उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिनकी रैंक अच्छी नहीं है,
वो ना खराब है या जिनके अच्छे ना तो हाई मार्क है ना बिल्कुल लो मार्क्स है, मतलब उसमें मीडियम वाले हैं, वो मीडियम वाला ये सोचता है कि नहीं मुझे तो आर्ट्स चाहिए, एमपीटी चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि नहीं मुझे तो जौनेर चाहिए, नहीं मुझे तो बीकानेर चाहिए, जो भी उस जिस कॉलेज में उसको जाने की इच्छा है, यानी कि उसका एडमिशन मान लो कि जौनेर होना है लेकिन उसको तो क्या है कि आर्ट्स या एमपीटी जाना है। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, अगर किसका बैकग्राउंड अच्छा है ठीक है, दोस्तों वो क्या करेगा, सबसे पहले आर्ट्स या एमपीटी नॉर्मल सीट फिल करेगा, देन उसके बाद में आर्ट्स या एमपीटी पेमेंट सीट फिल करेगा। क्या दोस्तों फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, मैं आपको लिखित में नहीं दे रहा हूँ, मुंह से बोलने से आप जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। जिसके ना मार्क्स हाई है ना कम है, यानी मीडियम जिसके मार्क्स या रैंक है दोस्तों, उसको क्या करना है, अगर उसको आर्ट सी एमपीटी चाहिए तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, आपको आर्ट सी एमपीटी चाहिए, जरूरी नहीं आर्ट सी एमपीटी चाहिए आपको, क्या पता किसी को जोमनेर भी चाहिए, मतलब किसी को जोमनेट चाहिए, तो उसको क्या करना, सबसे पहले फिल करना उसको जोमनेर, देन उसी के बाद जोमनेर पेमेंट, सबसे पहले जोमनेर नॉर्मल फिल करना, उसके बाद जोमनेर पेमेंट सीट उसको फिल करना ठीक है। तो इसी तरह फिर उसको जैसे दूसरी कॉलेज चाहिए उसको वाला आर सी एमपीटी चाहिए, आर सी एमपीटी बढ़ देना है, फिर आपको जोधपुर बढ़ देना है, आपको कोटा बढ़ देना है, बीकानेर बढ़ देना है, इसके जो सब कैंपस जैसे दौसा वाली कॉलेज है, कोटपुतली कॉलेज है जो इसी साल लास्ट ईयर खुली थी, भरतपुर कॉलेज है, अभी श्री गंगानगर खुली है, वो भी सरकारी कॉलेज लेकिन वो इनके अंडर में आती है, यानी वो सब कैंपस है इनके ठीक है। अब बात करते हैं कि जिनकी रैंक कम है, क्या दोस्तों जिनकी रैंक कम है, यानी उसका गवर्नमेंट एडमिशन हो रहा है लेकिन उसका कैंपस में नहीं हो रहा है, क्या दोस्तों जिसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है यानी उसकी रैंक इतनी कम है कि उसको यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि उसको यूनिवर्सिटी चाहिए, तो उस कंडीशन दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले जो 5 यूनिवर्सिटीज हैं, 5 यूनिवर्सिटीज दोस्तों उसकी पेमेंट सीट फिल करनी है, समझ गए, 5 यूनिवर्सिटीज को उसको पेमेंट सीट फिल करनी है। उसका सीक्वेंस क्या है जी कि जिस कॉलेज में सबसे पहले आपको एडमिशन चाहिए उसको सबसे पहले फिल करना है ठीक है, मतलब जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं जिसके रैंक कम है उसका गवर्नमेंट एडमिशन हो रहा है यानी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है लेकिन यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पा रहा, तो उसको सबसे पहले 5 यूनिवर्सिटीज की पेमेंट सीट फिल करनी है, उसके बाद में 5 यूनिवर्सिटीज की नॉर्मल सीट फिल करनी है, देन उसके बाद में जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं जिन बताया मैंने, भरतपुर है, कोटपुतली है, सवाई माधोपुर है, दौसा में है, श्री गंगानगर में है, तो ये जो कॉलेजेज हैं उनको फिर फिल करना है उनके बाद में, सबसे पहले किसको, 5 यूनिवर्सिटी पेमेंट सीट, देन 500 की नॉर्मल सीट, उसके बाद में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज उसको फिल करना है। दोस्तों मैं आपको बात ये कहना चाहूंगा कि जिनकी रैंक अच्छी है, जिनकी रैंक मीडियम है या जिनका गवर्नमेंट में एडमिशन हो रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ कि मैं जो लास्ट ईयर जो मार्क्स है रैंक है उसके आसपास मेरे मार्क्स आ रहे, तो दोस्तों वो बंदा प्राइवेट कॉलेज चूज मत करना, प्राइवेट कॉलेज को फिल नहीं करनी है, ना प्राइवेट मल्टी कैंपस फिल करना है, ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी फिल करनी है, कुछ फिल नहीं करना, उसको ओनली गवर्नमेंट से मतलब रखना है ठीक है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग फीस कितनी है दोस्तों, अब देखो काउंसलिंग फीस है आपके 5,000 रुपये, कितनी दोस्तों 5,000 रुपये आपको काउंसलिंग फी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, उसमें देखो ये रिफंडेबल होते हैं, अब रिफंड कौन से कंडीशन में होता है कि देखो अगर किसी बंदे को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है, मान लो कि कोई बंदा है उसने सब कॉलेज भर दी, उसने गवर्नमेंट भर दी, उसने यूनिवर्सिटीज भर दी, उसने प्राइवेट कॉलेज भर दी, उसने कैंपस भर दिया, सब कुछ भर दिया, कोई नहीं छोड़ा, तो दोस्तों उस बंदे को ये मान के चलो मान जिसके मार्क्स कम है तो उसको प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल ही जाती है। तो यानी मेरे कहना मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट को प्राइवेट यानी किसी स्टूडेंट दोस्तों कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है तो दोस्तों उस कंडीशन में उसको 5,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे, चाहे वो बंदा उस कॉलेज में जाए या नहीं जाए उसकी कोई शर्त नहीं है, जाएगा तो भी उसके नहीं आएंगे वापस, अगर उस बंदा एडमिशन लेता है तो दोस्तों उसकी जो फीस है उसकी जो फीस दोस्तों वो आपकी कॉलेज फीस है उसमें आप एडजस्ट किया जाएगा, मान लो कि आप कॉलेज फीस 30,000 रुपये हैं तो फिर आपको 5,000 वहाँ जमा हो जाएंगे तो आपको कॉलेज फीस फिर से 25,000 रुपये जमा करानी पड़ेगी, यानी कि अगर आप कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती हैं और फिर आप कॉलेज नहीं जाते तो आप 5,000 रुपये रिफंडेबल नहीं है ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन वापस आते हैं, देखिए दोस्तों 5,000 रुपये हैं अगर आप कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती, मैं जो जो आपने उससे काउंसलिंग फॉर्म भरा है, जो आप कॉलेज काउंसलिंग फॉर्म चूज की कॉलेज वो कॉलेज आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो दोस्तों आपको 5,000 रुपये वापस आपको रिफंड हो जाएंगी। अब क्या है दोस्तों अगली बात की रिफंड कौन से अकाउंट में होंगे, देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगा जिस टाइम काउंसलिंग फी डिपॉजिट कराते हो हमेशा माइंड में याद रखना कि आप पांच जो काउंसलिंग फीस दोस्तों आपको खुद के अकाउंट से या अपने जानकार के अकाउंट से या अपने गार्जियंस के अकाउंट से डिपॉजिट करना है, पैसे कटवाने हैं कभी भी अनजान व्यक्ति के अकाउंट से या जो इमित्र शॉप वाले होते हैं दोस्तों उनके अकाउंट से पैसे नहीं कटवाने हैं, क्योंकि दोस्तों इसका रूल ये होता है कि जिस अकाउंट से पैसे कटते हैं उसी अकाउंट में पैसे वापस आते हैं, ये माइंड में ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है जो अनजान आदमी और इमित्र वाला झूठ बोल देता है कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए और आगे 5,000 रुपये डूब जाते हैं ठीक है। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं कि जिसके सिलेक्शन नहीं हो रहा,
मैं तो चाहता हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, भगवान से ये दुआ है, सभी के अच्छे मार्क्स हो, सभी के अच्छे रैंक हो, सभी का सिलेक्शन हो जाए, सभी को अच्छी कॉलेज मिल जाए, तो ये दुआ करूँगा। लेकिन दोस्तों फिर भी एक देखो, हर सिक्के दो पहलू होते हैं, एक तरफ हार एक तरफ जीत, ठीक है। तो मान लो कि जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों, वो टेंशन मत लेना, डोंट वेरी, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ, ठीक है दोस्तों। जब तक मैं हूँ अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो बंदा मुझसे कॉन्टेक्ट करना कि सिलेक्शन कैसे करना है, कलेक्शन और सिलेक्शन कैसे होता है, टॉप कैसे आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन कैसे मिलता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलता है, वो कॉन्टेक्ट मुझसे करना, ठीक है। किससे? मुझसे करना, मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको काउंसलिंग तो करवाना है, क्या आपको काउंसलिंग करवाना है, यानी कि जिस बंदे को ये लगा कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं तो आसपास ये टकरा हूँ, मैं तो ऊपर नीचे हद्दर झूल रहा हूँ, ना तो ऊपर का हूँ ना नीचे का हूँ, उस बंदे को काउंसलिंग तो करवानी है। उससे क्या फ़ायदा मिले काउंसलिंग करवाने का? मान लो कि आपने अच्छे कर्म कर रखे हो, आपने थोड़ी मेहनत की, आपको किस्मत अच्छी हो, तो दोस्तों आपको कॉलेज मिल जाएगी। क्या दोस्तों? आप कॉलेज मिल जाएगी, तो इसलिए आपको रिस्क खेलना कि दोस्तों 5,000 रुपया डूबने रहे, और आप कॉलेज मिल जाएगी तो आप आराम से बीएससी करना, कॉलेज लेना और आपसे बीएससी हो जाएगी। और दोस्तों मान लो कि कॉलेज नहीं मिलती है, तो 5,000 रुपया आपको नेक्स्ट 2 मंथ के बाद में आपके एडजस्ट अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो टेंशन जीत कहाँ, तो रिस्क तो अपन खेल ही सकते हैं, ठीक है। तो उस बंदे को क्या करना है कि मां सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको जैसे फर्स्ट काउंसलिंग वेट करना है, सेकंड का वेट करना है, स्पोर्ट का वेट करना है, तीनों मिला के उसको कोई किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, देन उसके बाद वो बंदा मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है कि सिलेक्शन कैसे होना है, कॉलेज कैसे मिलती है, सब कुछ वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, वो आप मुझसे पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोचिंग, ठीक है। मैं तो वैसे चाहूंगा कि सभी का सिलेक्शन हो जाए। ये दोस्तों मेरी कोई कोचिंग नहीं है, मेरा कोई पर्सनल को मोटो नहीं है कि आप मेरे पास में आओ, मैं आपको कोचिंग कराऊं, मेरा कोई इकोनॉमिक्स कोई प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं साफ कहता हूं मेरी कोई कोचिंग नहीं है, मैं किसी कोचिंग से जुड़ाऊंगा नहीं हूं, बस मेरे पास कॉल्स आते हैं कि सर आप मेरे हमारे यहाँ पे 1 घंटा पढ़ा दो, 2 घंटा पढ़ा दो, बस इतना करता हूं। ना मैं किसी कोचिंग का ऐड करता हूं, मैं क्या, मेरा कोचिंग ही नहीं, मैं किसका ऐड करूंगा, मेरे किसी कोई कोचिंग नहीं है। तो ये मारे फिट रखना हाँ कि मेरी कोई कोचिंग नहीं है, मेरा कोई मोटो नहीं है कि नहीं मैं अपने प्रॉफिट के लिए करूँ, अपने कोचिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इच्छा हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करना, नहीं चाहो दोस्तों कोई बात नहीं, मेरे को फोर्स नहीं किसी को, पर मैं इतना कहना चाहूँगा भगवान से ये दुआ करूँगा कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, सभी को कॉलेज मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके डाउट मन में ये है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, रैंक क्या जाने वाली है, तो दोस्तों रैंक की कट ऑफ एंड डॉक्यूमेंट मार्क्स की कट ऑफ मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर उसके आसपास में आपके मार्क्स या रैंक आ रही है तो दोस्तों आप काउंसलिंग जरूर करवाना है। अब दोस्तों उन दो वीडियो हैं, आपकी जो रैंक अकॉर्डिंग कट ऑफ, आपकी जो मार्क्स अकॉर्डिंग कट ऑफ, मैंने दोनों के लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप अपना चेकअप कर लेना, चेक कर लेना, मैं वहाँ पर कैटेगरी वाइज डाल रही कट ऑफ क्या रहने वाला है, अगर उस नंबर के आसपास आपके मार्क्स या नंबर आ रहे तो आप काउंसलिंग जरूर करवानी है, ठीक है। आज से अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, अगर किसी बंदे से कोई मिस्टेक हो गई है काउंसलिंग भरने में तो अभी वो एडिट कर सकता है, यानी अभी तो आपको शायद 16 तारीख तक आपको काउंसलिंग भरने का टाइम है, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं, आप एक बार चेक करना नोटिस में, ठीक है। जो भी आपका 3-4 दिन का टाइम मिलता है काउंसलिंग चूज करने का, ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म का, ठीक है। मैं कह चुका कि 5,000 आपको डिपॉजिट अपने अकाउंट से करवाना है, अपने जानकर अकाउंट से करवाना है, अनजान व्यक्ति से मित्र दुकान से मत करवाना। कॉलेज कैसे बननी है मैं बता चुका हूँ, प्राइवेट कॉलेज आपको नहीं लेनी है। अगर किसी बंदे को दोस्तों सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर किसी बंदे को ओनली बीएससी एजी करना है कि नहीं मुझे तो एजी करना है, मुझे ग्रेजुएशन करनी है, मुझे जॉब से कोई मतलब नहीं है, तो दोस्तों वो बंदा, उसको ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं प्राइवेट भी ले लूँगा, मैं मल्टी कैंपस भी ले लूँगा, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ले लूँगा, मुझे एडमिशन लेना है, तो दोस्तों वो बंदा बेझिझक एडमिशन ले सकता है, प्राइवेट कॉलेज फिल कर सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी फिल कर सकता है, और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर कोई बंदा अगर जिसके 100 नंबर आ रहे, किसी कैटेगरी से 100 नंबर भी आ रहे ना, तो दोस्तों उसका प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में उसका एडमिशन हो जाएगा, ये मुझे गारंटी दे रहा हूँ आपको। जिसके पास में 12th एग्रीकल्चर है, कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, या लिख लो जिसके भी 100 मार्क्स आ रहे उसका सिलेक्शन श्योर है, वो किसी में प्राइवेट कॉलेज में। दोस्तों उसके क्या नुकसान है, देखिए दोस्तों प्राइवेट कॉलेज के नुकसान ये है कि मान लो आपकी बीएससी हो जाएगी, अच्छी बात है, अच्छे हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर ली हो, आपकी 1 साल बर्बाद नहीं हो रही है, लेकिन दोस्तों आप माइंड में ये जरूर सोचना है कि बीएससी बाद में मेरा क्या स्कोप है। दोस्तों उस बंदे का बीएससी बाद में कोई स्कोप नहीं, ओनली उसका नाम यही होगा उसका जान पहचान नाम ये होगा कि बंदे ने ग्रेजुएशन कर ली है, आगे उसका कोई स्कोप नहीं, ना तो उसको आगे एमएससी में एडमिशन एमएससी एग्जाम दे सकता है। अगर मान लो कि वो किसी जो मैं किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा, तो दोस्तों उसको वहाँ पे उसको इंपॉर्टेंट नहीं दी जाएगी, उसकी डिग्री देखते उसको वहाँ पे आउट कर दिया जाएगा, उसका इंटरव्यू किया जाएगा, उसको वहाँ आउट कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों अभी अपने जो है
अब जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर से दोस्तों बीएससी बाद में कोई बहुत सारी अपना जॉब की गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है। लेकिन मैं बताऊँ आपको जो डब्ल्यू एग्जाम होता है किसका दोस्तों, डब्ल्यू एग्जाम होता है। डब्ल्यू के अंदर दोस्तों जिसकी भी डिग्री प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है दोस्तों उसको अलाउ नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों, उसको अलाउ नहीं किया गया है। किसकी, जिसकी बीएससी एचजी प्राइवेट से है उसको अलाउ नहीं किया गया है। इसलिए आप खुद अपना डिसीजन लेना कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे बीएससी करनी है या आगे जाके मुझे अपने इसमें फ्यूचर बनाना है, मुझे एमएससी करनी है, मुझे पीएचडी करनी है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे डब्ल्यूआरओ बनना है, मुझे एओ बनना है। तो दोस्तों इन सब के लिए आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना जरूरी है। मैं तो मानता हूँ किसका एडमिशन नहीं होना दोस्तों, वो एक साल तैयारी करना, एक साल फिर से कोशिश करना कि वो अच्छे मार्क्स लेके आए। लेकिन दोस्तों जो बंदा ट्वेल्थ में एग्रीकल्चर से है वो बंदा दोस्तों मुझसे पर्सनल मिल रहा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन मैं करवाऊंगा। दोस्तों कान सुन लेना कि जो बंदा ट्वेल्थ एग्रीकल्चर से है उस बंदे का सिलेक्शन कैसे होना है, उस बंदे को क्या करना आगे जाके, उसको प्राइवेट कैंपस में या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं लेना है उसको। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी साथ में, उसको एक साल तैयारी करना, वो बंदा मुझसे पर्सनल कॉन्टेक्ट करना। दोस्तों मैं जयपुर से हूँ, ठीक है, फिर अगर किसी और ज़्यादा डिटेल चाहिए मेरे पास दोस्तों मुझे पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। ठीक दोस्तों ये थी आज की मेरी तरफ से जेड काउंसलिंग को लेकर 2020 की इंफॉर्मेशन थी। आप काउंसलिंग कैसे करवानी है, कॉलेज कैसे चूज करनी है, फीस कितनी होती है, एंड दोस्तों जब इसका फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाए, अगर सभी को जिन जिन को दो कॉलेज अलॉटमेंट हो रही है दोस्तों प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर करना कि सर मुझे ये कॉलेज मिली है, मुझे ये यूनिवर्सिटीज मिली है, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। एंड दोस्तों मान लो कि किसी को कॉलेज पसंद नहीं आ रहा दोस्तों, वो अपवार्ड फॉर्म भी लगा सकता है। क्या दोस्तों, अपवार्ड फॉर्म भी लगा सकता है। तो दोस्तों अपवार्ड फॉर्म क्या होता है कि देखो मान लो कि मैंने फर्स्ट पे उदयपुर भरा है, दूसरे में जोमनेर भरा है, फिर बीकानेर भरा है, कि मान लो कि मेरा उदयपुर नहीं आ गया, मेरा आ गया जोमनेर, मुझे अलॉटमेंट हो गई है, और देन उसके बाद मान लो कि उदयपुर सीट खाली है, तो दोस्तों मैं अपवार्ड फॉर्म लगा के मैं उदयपुर एडमिशन ले सकता हूँ, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, अपवार्ड फॉर्म के हालांकि कि जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज में आपको नहीं जाना, तो दोस्तों आप अपवार्ड फॉर्म भर के उससे ऊपर वाले कॉलेज में अगर वहाँ सीट खड़े तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी, वह सेम प्रोसेस है। उसका दोस्तों आप स्पॉट काउंसलिंग होगी, अगर दोनों काउंसलिंग मिला के सीट वैकेंट रह जाती है तो आप स्पॉट काउंसलिंग की जाएगी, तो आप वहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग अपना जो किस्मत आजमा सकते हो कि अपना जो भी कॉलेज अलॉटमेंट होगी नहीं होगी। एंड दोस्तों इसके अलावा और भी आपको कुछ भी डाउट हो, पेमेंट इश्यू डाउट हो दोस्तों, और कुछ भी डाउट हो दोस्तों, मुझे आप पर्सनल इंस्टाग्राम पे या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कॉलिंग जो भी दोस्तों आप सुविधा हो वो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बढ़िया ईजी तरीके से बताऊँगा। मैं दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप किसी का नुकसान नहीं हो, किसी भी स्टूडेंट का काउंसलिंग की फॉर्म की मिस्टेक से। दोस्तों पिछली बार मेरे जो संपर्क में 3-4 स्टूडेंट दोस्तों ऐसा हुआ था कि वो काउंसलिंग फॉरम की गलती की वजह से दोस्तों उनको कॉलेज अलॉटमेंट होते हैं, दोस्तों उनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई। इसे दोस्तों मेरे तो सबसे सबका मैं ये चाहूँगा कि आप गलती नहीं करो। अगर आप थोड़ी सी भी डाउट हो किसी भी बात में दोस्तों मुझे पर्सनल कॉल कर सकता है, पर्सनल मुझे मैसेज कर सकता है, मैं आपको हर बात का सोल्यूशन, आपका हर डाउट आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसी सभी का दोस्तों ये थी आज मेरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दोस्तों सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपको आपके परिवार को सभी को अच्छी कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और नए इंफॉर्मेशन साथ। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, पास में बेल आइकन जरूर दबाएगा। धन्यवाद।